नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची थाना क्षेत्र मोनी तिराहे में स्थित संतोष किराना में रांची पुलिस की रेड, सुदखोरों में लिप्त संतोष साहू पुलिस अभिरक्षा में कर्जदार आशीष की शिकायत पर ब्याज पर रुपए चलाकर 10 से 20 प्रतिशत ब्याज वसूली करने के मामले में पुलिस ने संतोष साहू को अभिरक्षा में लिया है। मौके से 15 वाहन समेत ब्याज पर लिखा पढ़ी की डायरी जब्त की गई है। प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह के सशक्त आदेश के बाद भूमाफिया, शराब माफिया, सुदखोरों, फर्जी चिटफंड कंपनियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रांची पुलिस को आशीष निहांग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बताया कि आशीष निहांग ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जरूरत पड़ने पर उसने संतोष साहू से 20,000 रुपए 10 प्रतिशत पर ब्याज पर लिए थे। वहीं उसने मूलधन सहित ब्याज लगाकर संतोष साहू को 40,000 रुपए लौटा दिए। बावजूद इसके सुदखोर संतोष साहू द्वारा 68,540 रुपए की मांग की जाने लगी। साथ ही रुपए ना देने पर आए दिन उसे व उसके परिवारजनों को धमकियां दी जाने लगी। वहीं आशीष की शिकायत पर संतोष किराना के मालिक संतोष साहू की दुकान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान संतोष साहू की दुकान से ब्याज की लेन देन की डायरी और मौके से गिरवी रखे 15 वाहनों को जब्त करते हुए संतोष साहू को अभिरक्षा में लेते हुए उससे कर्जे एक्ट के तहत पूछताछ जारी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इसमें आशीष नायगम पिता स्वर्गीय सेल्वे नायगम ये अवर लेडी चर्च के पास थाना घबौदी द्वारा एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी आज थाना प्रभारी आर के मालवीय द्वारा कराई गई और सूचना की तस्दीक की गई। तो उसमें ये पाया गया कि ये ब्याज के रुपए दे करके उसके बदले में गिरवी सामान वगैरह रख करके सूदखोरी का काम करता था। इसके द्वारा इनको आशीष को पहले 20,000 रुपया फिर 10,000 रुपया दिए गए। इसके बदले में उसके द्वारा 40,000 रुपए दे भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि अभी 36,000 रुपया तुम्हें और 68,000 कितना 540 रुपये और देने हैं। इसके बदले में वो धमकी देता था कि अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी खिलाफ में हम धमकाता था, सारी चीज़ें करता था। जिस पर से आज रेड कार्रवाई की गई, करीब 15 गाड़ी टोटल उसके पास से बरामद हुई, जो कि उसके द्वारा साउथ खोली ब्याज के रूप में लोगों की रखे हुए पाया गया है। उस पर थाना रांझी में अपराध क्रमांक 270/21 धारा 384, 506, 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 का पंजीबद्ध किया गया है और थाना प्रभारी श्री मालवी साहब और उनके स्टाफ द्वारा ये एक अच्छी कार्रवाई की गई है और इस पर उसके खिलाफ प्रथम पंजीबद्ध सर विचार में लिया गया। सर, इसके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी था क्या ब्याज देने? अभी तक नहीं पता है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।